आज हम बनाने वाले हैं गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। बहुत सिंपल है ये चटनी। नॉर्मली हम दही भल्ले में या किसी भी स्नैक के साथ में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है गर्म करने के लिए। उसमें लगभग मैंने 1.5 कप पानी डालना है। बहुत सिंपल डिश है। उसके साथ मैंने गुड़ डाल रही हूँ। मैं 250 ग्राम गुड़ है, इसको हम एक उबाल आने देते हैं। जैसे जैसे ये पानी गर्म होगा वैसे वैसे जो गुड़ है ये भी आपका गलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे अब हमारा ये पानी गर्म हो गया है तो इसमें हम सबसे पहले क्या डालते हैं, हमने 1 चम्मच अमचूर लिया है। अमचूर के बदले हम इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने अमचूर का यूज़ किया है। ये थोड़ा सा ईजी होता है। अगर आपको फटाफट ये बनानी है तो अमचूर का इस्तेमाल कीजिए, टेस्ट में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद 1/2 चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है, 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच काला भुना हुआ ज़ीरा। इसको पहले भून के फिर इसको पीस दिया है। बस अब हम इसको थोड़ा सा चलाना ही है। जैसे ये आपका पानी जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ये पूरा जो गुड़ है वो पिघल जाएगा, तो हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा हिलाते रहेंगे। देखिए अब हमारी चटनी जो है वो थिक होनी शुरू हो गई है। इसको हम 2-3 मिनट और चलाएंगे। जितना पतला हमने रखना है या जितना थिक रखना है उसको देख के फिर हम गैस बंद कर देंगे। करछी चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा। मैंने गैस अब बंद कर दिया है। अब देखिए हमारे को इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। और अगर आप और इसको थोड़ा थिक करना चाहते हैं तो आप और उबाल लीजिए, बट थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही ऑलरेडी थोड़ा सा थिक हो जाएगी। हमारी जो है गुड़ की खट्टी मीठी चटनी रेडी है।